पी लीजिए। और आप सब लोग, आप बच्चे तो नहीं है ना कि मुझे एक एक को आकर समझाना पड़ेगा। आखिर घर में एक इंसान बीमार पड़ा है, तो क्या आप सब मिलकर उसकी देखभाल भी नहीं कर सकते थे? लेकिन इन लोगों ने क्या किया? आप तो बोलिए भी मत, अब सिर्फ आराम और बस आराम करना है। चुपचाप अपना सारा पानी खत्म कीजिए और आंखें बंद कर सो जाइए, और अगर आपकी आंखें खुली ना तो बस। अब मेरा दूध लिया होगी जमुना काकी? आइए डॉक्टर साहब। क्या हुआ मां चतुर्जी? फिर से भागदौड़ शुरू कर दी आपने या फिर दवाइयां छोड़ दी? भागदौड़ तो की, लेकिन पूरा आराम करने के बाद में, और दवाई भी खा ली। हाँ, गुलाब पाक खाने के बाद में। वो तो ठीक है, लेकिन इस उम्र में इतनी भागदौड़ करेंगे तो कैसे चलेगा? चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। और एक और बात, तनाव से दूर रहिएगा। किसी भी तरह का शारीरिक और मानसिक तनाव जो है आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मैं कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं आपको, ये मंगा लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बापूजी, आपकी ये हालत कुसुम की हरकत की वजह से तो नहीं हुई? आप उसके बारे में मत सोचिए बापूजी, मैं उसे समझा दूंगा। आप बस 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 वही तेरी घिसी पिटी सलाह ना कि आराम करना, तकलीफ मत लेना। सॉरी दादाजी। ऐसा क्या किया तूने कि मेरी पोती गुस्सा हो गई? बापूजी अपनी पोती से पूछिए, वही ऐसे झगड़े करती है। क्या से तारी बहू? दादाजी, सॉरी दादाजी, वो क्या है ना, ये कंगन इतने हल्के थे कि मेरा पहनने का मन ही नहीं किया, इसलिए फेंक दिया। अरे शगुन के सोने को वजन से नहीं प्यार से नापते हैं। जो इस कंगन में नहीं है, तेरे पति की आंखों में है। अब पहन के देख इस कंगन को, इतने भारी लगेंगे कि तेरा हाथ भी नहीं उठ पाएगा। ला दे। ले, पहना इसे, ले। उठ बेटा, खड़ी हो जा, पहन ले।
सरस, बहुत सरस। चलो भाई चलो, अब हवन के लिए देर हो रही है। नहीं बापूजी, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं आराम करेंगे। मैं कहां कहीं जा रहा हूं? अरे ये तो कुलदेवी का हुक्म हुआ है, इसलिए हवन हो रहा है। देखो ये हवन नए जोड़े के लिए शुभ होता है, और देखना तुम सब, इस हवन के बाद में इन दोनों का प्यार और भी मजबूत हो जाएगा, और पंडित सारी तैयारी भी कर चुका होगा।